हेलो सब लोग, कैसे हो? क्या हो रहा? रोज रोज काउंट बहुत कम हो जा रहा। आज सिर्फ 7 लोग हैं। कुछ एग्जाम्स कुछ चल रहा क्या सबको? यस आज आज वहां पे कुछ फेस्टिवल नहीं तो कुछ है क्या? सिर्फ 7 लोग ही आए थे आज। 8 हुआ अभी, सो स्लोली स्लोली ज्वाइन हो रहे हैं। कार्तिक, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सो आज आज लावण्या मैम अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट विल डू इज व्हाट एवर वी हैव डन टिल डेट, जो भी हमने किया था टेस्टिंग का, उसका एक बार रिवीजन जैसा करेंगे। ओके एंड एंड वन मोर थिंग, लावण्या मैम ने आप लोगों को एक्सरसाइज टेस्ट के सिनेरियोस बनाने के लिए दिया था। आप कहाँ तक करे हो वो सब? आई थिंक शी विल बी ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। सो नेक्स्ट 15 मिनट में ज्वाइन होगी लावण्या मैम। आप लोगों का टेस्ट सिनेरियोस दिए थे राइट? टू हाउ फॉर यू गाइस हैव डन दैट? यस कल भी और परसों भी डिस्कशन हुआ था राइट? व्हाट आर फंक्शनल, व्हाट आर दी नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, वो सब डिस्कशन हुआ था राइट? राइट एंड टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में आप सीखे थे। फंक्शनल टेस्टिंग टाइप एंड एक्सरसाइजेस आप किया था। हाउ नाउ हाउ कंफर्टेबल वी विथ टेस्टिंग? अगर कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों से अगर मैं कॉल करके नहीं तो टेस्ट डाले तो हाउ कंफर्टेबल यू गाइस आर? प्लीज रेस्पॉन्ड नो, चैट में बोल दीजिए। आपको अगर टेस्टिंग टेस्टिंग का नहीं तो ये हम पहले एक्सेल एक्सेल किए थे और ओरेकल किए थे, देन नेक्स्ट उसके बाद पावर बी आई किए थे, उसके बाद हम टेस्टिंग किया राइट? ये सब कॉन्सेप्ट्स में हाउ कंफर्टेबल यू गाइस सर? यस आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। अगर मैं किसी से पूछे तो व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, या कोई थम्स अप दे रहा है कौन है, यहाँ पे चैट पे मेंशन कर दीजिए ना व्हाट इज एक्चुअली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? यस प्लीज,
What happened, Shreya? You are also very silent. Dono Shreya. Shreya Singh, Shreyanshi Singh and Shreya Dubey. Dono bhi silent hai. Vaibhav bhi silent hai. Bahut log silent hai aaj. Attendees mein. यस क्या हुए अचानक आप लोगों को. ओके कोई बोल रहा है ए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन टेस्टिंग दैट प्रोवाइड्स द टेस्टर विद कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग टेस्टेड. कुणाल मिश्रा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वैलिडेट द बिजनेस रिक्वायरमेंट. White box testing is a form of application testing that provides the tester with a complete knowledge of the application being tested, include the access of source code and design document. Yes. ये कौन है? किसका answer है ये? Shriya का? या श्री वैभव का? Yes, वैभव. ये white box testing के बारे में जब हम बात किए तो we need to explicitly mention about the source code and documentation. ये हम black box testing में जो भी है वो हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाया था उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं. एंड white box testing जो भी है वो documentation part वो सब पे हम टेस्टिंग करते हैं. Yes. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखे कोई लिखा था. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्ट दैट वैलिडेट्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट. मेरे को जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट. श्रीया यू आर आल्सो करेक्ट. वैभव आप भी करेक्ट हो. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट वैलिडेट्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट और द सिस्टम इज सपोज टू डू. यस श्रुति. यस यस सुपर सुपर. एंड अगर मैं blackboard testing a form of testing that is performed with no knowledge of system internals. Okay. So a testing se thoda mai hata ke. Okay, if I ask you guys what are the functions that you have or what are the formulas or functions that you learned in your Oracle. Sorry, in your Excel, not in Oracle. Excel में आप लोग क्या क्या functions सीखे थे बोले तो at least हर एक दो तीन यहाँ पे type कर लीजिए. What are the functions that you have learned in Excel? Sorting, good. Vaibhav, good. मैक्सिमम श्रुति गुड. दो तीन लिख लीजिए. दो तीन साथ में लिख लीजिए. ओके नॉट वन बाय वन. अगर आपको ज्यादा रिमेम्बर है तो कामा डाल के पूरा भी लिख सकते हो. हाँ सम एवरेज. श्रिया कुमार मंगलम. हाय कुमार अभी आए क्या? आप ही का पूछ रहा हूँ कहाँ है बोल के. यस सोनिया सम फंक्शन. देन नेक्स्ट दो तीन नहीं तो हाउ मेनी यू रिमेम्बर दोस्त. कामा डाल के लिख लीजिए. हाँ यस कोई लिखा था देखिए. श्रुति सुपर. फिल्टरिंग एवरेज काउंट ये. एंड ओके ठीक है. आप लोग सम कोई लिखा था. काउंट कोई लिखा. ट्रिम लिखा. असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्ट लिस्ट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सुपर सम मल्टीप्लाई डिवाइड फिल्टर पिवोट टेबल. एक्सलेंट. अभी आप लोग सही मूड पे आ गया. गुड. देखिए मेरे को सम एक्स का डिफरेंस बता दीजिए. If I ask what is the difference between sum and sum x, yes, good. If statement, pivot भी हम लोगों ने सीखा था यार. But ये answer बोल दीजिए मेरे को sum and sum x का difference. कोई count and count ये बोला था वैसे ही हमारे पास sum में
सम एंड सम एक्स भी है, राइट? सम एंड सम एक्स का डिफरेंस क्या है? अचानक सब शांत हो गया. यस, मिनिमम मैक्सिमम सब बोले थे आप लोग, वेरी गुड. ये कौन है श्रियांशी? Add all the numbers in a column, okay, returns the sum of an expression evaluated for each row in a table. Any other answers, please? Some adds all the numbers in a column, some makes return evaluated, some makes will automatically aggregate values, a calculated column will not. Please explain some makes, sir. Okay, I will explain, but I am really surprised you guys are on dot. Okay, superb. Karthik, yeah, Shriyanshi Singh, मैं Shriyanshi Singh को पूछ रहा हूँ. हाँ Shriyanshi Singh, आपने जहाँ पे explanation दिया था, right? Explanation लिखा था, right? Can you explain that to me and also to everyone? Yes, sir. Yes. Yeah. एक ही मिनट, मैं आपको आपको वो पर्टिकुलर सिनेरियो ही देता हूं मैं. ओके, यहाँ पे मेरे पास यूनिट प्राइस है. ओके, यूनिट प्राइस है एंड यहाँ पे मेरे को सम ऑफ टोटल है. टोटल बोल के है. एंड यूनिट प्राइस मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन कैसा काम करता है आपको पता है श्रियांशी? श्रियांशी, आर यू देयर? यस सर, आप हो लाइन पे? यस सर. या रैंड बिटवीन ये कैसा काम करता आपको पता है? अगर मेरे को श्रियांशी, नॉट ओनली श्रियांशी, अगर आप कभी डेटा एनालिसिस के लिए डेटा लिखना चाहे तो आप ये रैंड बिटवीन बोल के देखिए. ये रैंड बिटवीन अभी देखिए, मैं कुछ डमी वैल्यूज लिखा था वो लिखने के लिए ये रैंड बिटवीन एंड आप शॉर्ट नंबर एंड सम मैक्सिमम नंबर. मेरे को 100 से 546 देता हूँ. ओके, एक ही मिनट, प्लीज बी ऑनलाइन. या देखिए, यहाँ पे रैंड बिटवीन बोल के मैं कुछ वैल्यूज दिया एंड इसको ऐसे खींचे तो रैंडम बिटवीन ये पर्टिकुलर नंबर्स है ना, ये आ जाएगा. ये स्पेशली आप लोगों को जब डेटा एनालिसिस के लिए हम डमी डेटा लिखते रहे तब काम आएगा. हाँ, नाउ कमिंग टू माय पर्टिकुलर सिनेरियो, रैंड बिटवीन यहाँ पे 198,350. ओके, यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज ऐसे ही चेंज होते रहता. देखिए
अगर आप देखें कंटिन्यूसली वो रैंड बिटवीन चेंज होते रहता, अगर वो वैल्यूज वो वैसा ही रह के कॉपी पेस्ट, वही वैल्यूज आपको कॉपी पेस्ट करना, तो आपको क्या करना, कंट्रोल सी दबा के ओके यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन जो है राइट, ये पेस्ट ऑप्शन में ये 1 2 3 ऑप्शन लिए तो वही वैल्यूज आ जाएगा आपको। अभी देखिए वैल्यूज भी चेंज हो गया, ओ वैल्यूज सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरे को ये स्क्रीन शेयर करने का भूल जाने का आदत ज्यादा हो गया मेरा। यस अभी देखिए मैंने कुछ डेटा बनाया था यहाँ पे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये अभी दिखाई दे रहा राइट मेरा स्क्रीन, ये रैंड बिटवीन अगर आप 100 एंड कुछ 250 ऐसा कुछ टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर डाले तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको, एंड इसको ड्रैग किए तो कहाँ तक आपको चाहिए वो वैल्यूज जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। वो आने के बाद वो वैल्यूज आपको कॉपी करके वही वैल्यूज आपको यहाँ पे पेस्ट करना, तो पहले यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे ये पेस्ट पेस्ट में ये देखिए 1 2 3 वैल्यूज बोल के है वो पेस्ट कर लीजिए। ओके देखिए अभी यहाँ पे कुछ वैल्यूज आया, अगेन ये वैल्यूज चेंज हो गया, ये कंटिन्यूसली वैल्यूज चेंज होते रहते हैं रैंडम बिटवीन अगर आप अप्लाई किए तो ओके until you save that with this copy paste option। हाँ yes, अभी मेरे को दो चीजें चाहिए, sum of sales नहीं तो sum of sales का information चाहिए मेरे को। first column में मेरे को sum of sales, second column में मेरे को summex, I need to use summex, पहले sum का एंड सेकेंड summex का, हाँ दोनों कैसा यूज कर लेता हूँ, एंड पहला इसके लिए आंसर क्या है एंड सेकेंड के लिए आंसर क्या है अभी आप बता दीजिए। श्रियांशी सिंह हेलो, श्रेयांशी आप हो लाइन पे, श्रेयांशी सिंह कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, आर यू देयर, पहले लाइन पे हो आप? यस सर, सर सम के लिए हम जो जैसे कि रो कॉलम में जो है A1 A2 एज अ एग्जांपल लेके उसको सम करेंगे। नहीं मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मैंने आपको रियल टाइम सिनेरियो दे दिया, पहला ये सम का आंसर क्या है, ये सम एक्स का आंसर क्या है आप बोल दीजिए मेरे को। या सर सम में जैसे हम A1 A2 A3 A4 टोटल लिख देंगे, सम में आप ये पूरा टोटल लिख देते हो ओके, सो यहाँ पे आपका मतलब 3622 इज आंसर फॉर सम, 3622 इज आंसर ओके। देन नेक्स्ट सम एक्स के लिए हम क्या करते सर, सम एक्स के लिए हम रो बाय रो करेंगे, रो बाय रो ठीक है, रो बाय रो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो बाय रो ठीक है, रो बाय रो ये दोनों ये ऐसा कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या मैं, ये 4258 कर लेता हूँ मैं, तो मुझे yes. थोड़ा डाउट है लेकिन ऐसे ही हम लोग करते थे सर कुछ ओके या एनीवन हाँ मैं क्लियर कर लेता हूँ, एनीवन कैन से ओके, श्रियांशी सिंह ने जो बोला था उस आप किसी को भी एक्सेस देना बोले तो बात करने के लिए मैं एक्सेस देता हूँ, कोई एक्सप्लेन कर सकता, आई वांट द आंसर,
उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कैसा करने का। आप लोग उसका डेफिनेशंस ठीक तरह से बोल रहे हो, बट वही चीज मेरे को रियल सिनेरियो में दिए तो तभी भी आपको करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट और ये दोनों ठीक है बोल सकता हूँ मैं। कोई एक्सप्लेन कर सकता मेरे को? मैंने आपको रियल टाइम सिनेरियो दिया था, यहाँ पे इमीडिएटली एक रो क्रिएट किया, यूनिट प्राइस टोटल, एंड मेरे को ये सबमिक्स कैसा काम करेगा आप बोल दीजिए। पहले अगर आप तो इस पे सम एक्स है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इफ यू टेक सम अदर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक मेटाबेस, पावर बीआई, वहां पे आपको मिलेगा ये सम एक्स का फंक्शन। यहाँ पे तो एक्सेल पे तो नहीं है, बट ये सम एक्स कैसा काम करता रेट सम एक्स के लिए हमको ये दो कॉलम्स जब हम चूज किए तो उसके बीच में कुछ एनालिसिस को करना पड़ेगा पहले हमको। हम कैसे बता सकता हूं ना, देखिए ये मल्टीप्लाई इनटू दिस यूनिट प्राइस इनटू टोटल जो भी है इसका प्राइस लीजिए, यूनिट प्राइस इनटू प्राइस, ओके यूनिट प्राइस इनटू प्राइस, देन आपको कुछ वैल्यू आया यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आया राइट। अभी यही हम सब कॉलम्स को लेते हैं, एंड ये सब कॉलम्स को लेने के बाद जो टोटल 175715 आया था राइट, इसको 175715 जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिले थे राइट, ये वैल्यू को हम मैक्स वैल्यू बोलते हैं। सो सम जो भी है वो कॉलम के लिए काम करता, सम एक्स जो भी है लाइक एवरीवन टोल्ड इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस, हर हर लाइन के लिए वो कैलकुलेशन करके हर लाइन का जो भी है वो पूरा इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके उसके ऊपर सम का ऑपरेशन करेगा। ये सिर्फ कॉलम के ऊपर, एक मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे आपको सम ऑफ, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे को चाहिए बोले तो कैसे लिखूंगा, सम ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम इनटू लास्ट कॉलम। सम एक्स के लिए जो वैल्यू, ये वैल्यू जो भी है ना, ये वैल्यू को फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे आते उसको कुछ अदर ऑपरेशन करने की जरूरी है वो दो कॉलम्स में, एंड सम में आपको एक ही कॉलम रहेगा, एंड सम एक्स में मोर देन वन कॉलम, नहीं तो आप यही कॉलम लिए तो इसके ऊपर भी मेरे को 10% ऑफ रिबेट ऑन दिस टोटल देना है बोले तो ये नहीं चाहिए आपको, ये 293 इंटू 10/100 आप हर लाइन को करके फाइनली ये सम कैलकुलेट करते हो, दैट इज द सम मिक्स, सम एंड सम मिक्स। समझ में आया सब लोगों को अभी? यस, समेक जो भी है वो इटरेटिव प्रोसेस वो बैकग्राउंड में ही लाइक रिया टोल्ड वो बैकग्राउंड में काम करके फाइनली ये इटरेटिव प्रोसेस जो भी मैंने बोला था राइट, ये 14 बार ये इटरेटिव प्रोसेस जो भी है वो इटरेटिव प्रोसेस करके उसके ऊपर सम करते ही है। Okay.
समझ गए आप लोगों को अभी सम एंड सम एक्स का डिफरेंस. सर मल्टीप्लाई टोटल कौन है ये रागिनी सर मल्टीप्लाई टोटल एंड इन ईच रो देन एडिंग द वैल्यू गिव्स सम एक्स. यस यू आर राइट रागिनी यू आर राइट. वही हो रहा है यहाँ पे. ये मल्टीप्लीकेशन किया था मैंने पहला रो एंड उसके बाद वो हर रो को ये फॉर्मूला निकाला था एंड उसके बाद उसका जो भी है ये फाइनल ये वैल्यू जो भी आया मेरे को उसके ऊपर सम किया मैंने. ओके एंड आपको यस यस श्रियांशी अभी समझ में आया आपको? यस सर. सर बस बोलिए सर बस मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं या मतलब कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं दोनों रोज में? ऑपरेशन कुछ भी ऑपरेशन एंड नॉट ओनली सिंगल वैल्यू. आप यूनिट प्राइस है ये यूनिट प्राइस है एंड और कुछ अनदर यूनिट प्राइस ये कुछ प्रोडक्ट है. ओके कुछ प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये ले लेते हम प्रोडक्ट ये है. ओके एंड ये कुछ प्रोडक्ट भी कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट भी आप लेके कुछ यूनिट प्राइस नहीं तो कुछ प्रोडक्ट भी आपको मल्टीपल कॉलम्स. मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये दिखाने का ये मल्टीपल कॉलम्स भी लेके आप यहाँ पे अभी देखिए ये बी टू इंटू सी टू किया था राइट. अभी इसको A2 into C2 किया था. ओके A2 into C2 करके इसका टोटल आप जितना भी कॉलम्स चाहिए नहीं तो ये कॉलम्स into this ऐसा भी कर सकते हम A1 into C2 सम डिवाइडेड बाई कुछ भी ऑपरेशन एंड मल्टीपल वैल्यूज भी. अगर आप मल्टीपल कॉलम्स भी लेना है तो आप मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हैं. आप ये डिवाइडेड बाई ए टू किया था मैंने सो हमको सेम यहाँ पे. ओके ए टू ओ एक्चुअली बी टू एंड सी टू सेम हो गया राइट. इसकी वजह से सेम 3622 आया था. बट आप A2 ये A2 अंदर A2 कर लेता हूँ एंड इसको B2 कर लेता हूँ एंड इसके बाद इसको C2 कर लेता हूँ. जो भी टोटल आया ना उसको C2 कर लेता हूँ एंड इसका देखिए 140 पॉइंट है. आपको जितना भी कॉलम्स आप ले लो एंड उसके ऊपर कौन सा भी ऑपरेशन आप कर लो सम ऑफ एक्स बोले तो ये इटरेटिव ये 14 रिकॉर्ड जो भी है वो हर एक रिकॉर्ड के लिए ये इंडिविजुअली करके फाइनल जो भी सम आएगा वो फाइनल सम देगा सम एक्स में. एंड सम में अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो भी सम विल वर्क ऑन ओनली सिंगल कॉलम. सम एक्स विल वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम एंड जितने भी रोज है दोस मेनी टाइम्स इट विल डू इटरेशन बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन दैट वी गिव. अभी समझ में आया सबको? क्लियर हो गया सब डाउट्स? रिपीट सम एक्स प्रोसेस. कुमार मंगलम श्रियांशी को यस एक ही मिनट कुमार मैं आपको भी एक्सेस देता हूं आपका डाउट क्या है देखते ये और यहाँ पे कुमार मंगलम का नाम ही नहीं दिख रहा. मंगलम वो अभी भी है क्या? नहीं तो चले गया 531 को है अभी उसका नाम ही दिखाई नहीं दे रहा. यस कुमार आर यू देयर? नहीं नहीं है वो कुमार. ठीक है अभी और एक कॉन्सेप्ट आपके लिए रिया
सॉरी नॉट रिया सॉरी श्रियांशी आपको और एक है उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए हम जाते हैं. आप लोग डेफिनेशंस बोले तो टकाटक बोल दे रहे हो मेरे को, इसीलिए मैं आज सिनेरियोस ले रहा हूं आप लोगों को. देखिए मेरे पास ये डेटा है श्रियांशी, ओके ये डेटा को, ये डेटा में मेरे को सेल्स देखिए सेल्स इतना है, नहीं पूरा डेटा नहीं आया लगता, फिल्टर लगाया गया. ओके मेरे पास डेटा है वैसा, एंड मेरे को यहाँ पे सेल्स का डिटेल्स है एंड ये टारगेट का डिटेल्स है. मेरे को कितने लोग एक्चुअली, हम रियल टाइम सिनेरियोस अगर देखे तो अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूट का काम, एग्जीक्यूटिव जो भी है उसका काम के बारे में अगर आप पता है तो हमारा टारगेट कैसा रहते है? ओके मेरा सेल्स, मेरा टारगेट हर रोज आपको 1000 सेल्स, 1000 जो भी है प्रोडक्ट वो सेल करने का, एंड वो 1000 में आप लोग, आप अगर कुछ 300 ही किया था सो आप टारगेट से कितना दूर है, 700 कम आपने सेल किया राइट. सो मेरे को फर्स्ट चीज यहाँ पे डिफरेंस, पहले मेरे को डिफरेंस आइडेंटिफाई करना, उसके बाद और एक रिजल्ट बोल के एक ऑप्शन है, ये रिजल्ट में मेरे को टारगेट नॉट अचीव्ड टारगेट अचीव्ड एंड टारगेट नॉट अचीव्ड बोल के मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना. अगर मेरा सेल्स जो भी है वो टारगेट से ऊपर है, नहीं तो टारगेट से सेम है, ओके नहीं तो ठीक है, टारगेट से ऊपर है तो टारगेट अचीव्ड बोलते हैं, ओके एंड टारगेट से कम है तो वो सेल्स टारगेट नॉट अचीव्ड बोल के हमको प्रिंट करने का. What are the steps I need to take in this? मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ, डेटा तो आप लोगों को दिख रहा है राइट. एंड आई विल इवन इंक्लूड another two people into this as part of the discussion. आप लोग हर रोज, मैं जब भी क्वेश्चंस पूछ रहा था तब अचानक टकाटक बोल के आंसर्स टाइप कर दे रहे हो. I even want you guys to test. अगर scenario दिए तो आप कैसा respond करते हो? Kunal को भी मैं access दे रहा हूँ. Hello to talk. Kunal. Then next, Shriya Dubey. Then next, Riya. Yes. मैंने चार लोगों को बात करने की एक्सेस दिया, सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट. ये रिक्वायरमेंट को मैं कैसा अचीव कर सकता हूँ? मेरे पास सेल्स का टारगेट है ओके एंड मेरा एंड रिजल्ट क्या है बोले तो मेरे को ये रिजल्ट के कॉलम में टारगेट अचीव्ड, टारगेट नॉट अचीव्ड बोल के मेरे को आउटपुट डिस्प्ले होना. दिस इज माय सिंपल रिक्वायरमेंट. आप लोग अभी बोल दीजिए हाउ आई कैन अचीव दिस, कैसा मैं अचीव कर सकता हूँ. एंड आई हैव गिवन एक्सेस फॉर 4.
श्रिया श्रियांशी देन नेक्स्ट रिया रिया एंड कुणाल चार लोगों का एक्सेस दिया मैंने जस्ट टेल मी द स्टेप्स आप स्टेप्स कैसे करते हो मेरा सिंपल टारगेट ये है कि टारगेट एच्यूड टारगेट नॉट एच्यूड बोल के यहाँ पे प्रिंट करना हेलो सर हू इज स्पीकिंग श्रेया या श्रेया बोल दीजिए सर अगर सेल्स में से टारगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो टारगेट इज नॉट अचीव्ड और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो टारगेट अचीव हो गया दैट इज फर्स्ट स्टेप ओके सो फर्स्ट स्टेप यू आर सेइंग आई नीड टू B2 माइनस C2 ओके B2 माइनस C2 मेरे को 152 ये यहाँ पे ये कर दिया ओके एंड यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे फिल्टर मार लेता हूँ फिल्टर मारे तो मेरे को नेगेटिव वैल्यूज आया एंड सम पॉजिटिव वैल्यूज आया ओके ठीक है यहाँ पे आप पहला स्टेप ऑन डॉट ओके ऑन डॉट सो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव में जो भी है टारगेट नॉट अचीव्ड दैट इज ऑल्सो करेक्ट पॉजिटिव में है दैट इज टारगेट अचीव्ड हाउ आई कैन राइट दैट ओवर हियर मैं कैसा लिख सकता हूँ वो क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ राइट यहाँ पे नेगेटिव है ठीक है टारगेट नॉट ACHIEVD ओके टारगेट नॉट अचीव्ड कॉपी पेस्ट वैसा मेरे को कितने रिकॉर्ड्स है ठीक है यहाँ पे तो सिर्फ ये छोटा फाइल है 700 रिकॉर्ड्स है अगर मेरे पास कुछ 50,000 रोस है देखिए ओके ले लीजिए 50,000 रोस है तब मैं कैसा लिख सकता हूँ व्हाट इज अ सिंपल सॉल्यूशन यार आप लोग कॉन्सेप्ट्स में सुपर है बट सिनेरियो बोले तो सिनेरियोस ये तो आप घबरा क्यों जा रहे हो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं राइट कैसा कर सकते हम आपने बोला था सही है जो भी नेगेटिव है वो टारगेट नॉट अचीव्ड जो भी पॉजिटिव है वो टारगेट अचीव्ड बट यहाँ पे सिस्टम को मैं कैसा समझाता हूँ यस मैंने एक्सेस दिया था पांच लोगों को सिर्फ श्रिया कुछ बोली थी अदर्स वर वेरी साइलेंट बोल दीजिए गलत सही नो प्रॉब्लम आप जो सोचते हो वो बोल दीजिए एटलीस्ट सी व्हेनेवर वी गेट ए प्रॉब्लम और व्हेन वी गेट ए प्रॉब्लम सर हम साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे रिजल्ट में ओके हाँ वही बोल दीजिए आप यहाँ पे बोलो मेरे को यस सर जैसे कि वो मतलब यहाँ हम कर दे जैसे अगर टारगेट के इक्वल है तो उसको इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करें और जो टारगेट से कम मतलब कम हुआ उसको हम नेगेटिव साइन से और जो टारगेट से ऊपर है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दें श्रिया राइट श्रेयांशी या श्रेयांशी सॉरी हाँ श्रेयांशी मेरे को वो सब फंडा तो पता है फंडा आप जो बोल रहे हो सही है बट यहाँ पे लिखने के लिए मैं एक्सेल को ये कैसा समझा सकता हूँ वो बोल दीजिए एक्सेल का लैंग्वेज में आप बोल दीजिए एक्सेल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सुनती है राइट वैसा उनका लैंग्वेज में आप बोल दीजिए ये पर्टिकुलर सिनेरियो मैं कैसा कर सकता हूँ ठीक है आई विल नॉट ट्रबल यू गाइस फॉर टुडे बट बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज क्लास ऐसे ही आपको डायरेक्टली सिनेरियोस के ऊपर ही वार होगा ओके देखिए ये कैसा अचीव कर सकते राइट देयर इज एन इफ स्टेटमेंट
आप लोग कोई इफ मेंशन किया था, इफ इफ लॉजिकल लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या है, ए डी टू जो भी डी टू जो भी कॉलम है, डी टू इफ डी टू ग्रेटर देन जीरो देन कंडीशन, व्हाट इज अ कंडीशन, देखिए मैं कैसा कैसा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए पहला मैं हमारा फील्ड कौन सा फील्ड है, डी कॉलम है, डी कॉलम में जो भी नेगेटिव है वो टारगेट नॉट अचीव्ड, जो भी पॉजिटिव है टारगेट अचीव्ड, राइट, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डी कॉलम. सो नाउ आई एम राइटिंग ए फॉर्मूला लाइक देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इफ, इफ एंड एल्स, इफ लॉजिकल टेस्ट. सो पहला रो क्या है मेरा, डी टू रो है, इफ डी टू इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव बोले तो वही राइट, ग्रेटर देन जीरो, देन टारगेट टारगेट अचीव्ड, अदरवाइज उसके बाद कामा, इफ इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन देन वैल्यू इज ट्रू, otherwise value is false. What is my false value? Target, target not achieved, target not achieved. देखिए अभी target जहां पे भी minus है वहां पे target not achieved, यहाँ पे ये plus symbol जो भी है वो दबा दीजिए, बस आगे आपको हर रो का ये हर रो का आ गया आपको. अभी आप फिल्टर करके, नहीं तो यहाँ पे ये कर लीजिए, सॉर्टिंग कर लीजिए, सॉर्टिंग ऑन माय रिजल्ट, देखिए टारगेट अचीव्ड जो भी है, एंड इफ यू वांट टू डू सॉर्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, टारगेट अचीव्ड के बाद ऐड टारगेट डिफरेंस स्मॉलेस्ट टू टारगेट, देखिए ऑल दीज आर टारगेट अचीव्ड, एंड इसमें आप फिल्टर करके देख लीजिए, यहाँ पे फिल्टर करके देख लीजिए, यहाँ पे अगेन टारगेट नॉट अचीव्ड सिनेरियो, यहाँ पे देखिए ऑल दीज आर टारगेट नॉट अचीव्ड सिनेरियोस. समझ में आया अभी, जो भाषा सिस्टम को समझ में आता वो भाषा ये है, इफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, इफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर वो पॉजिटिव है, श्रिया श्रियांशी सिंह आप दोनों भी वही बोले थे, अगर वो पॉजिटिव है तो टारगेट अचीव्ड, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो टारगेट नॉट अचीव्ड, वो हम कैसा लिखते, ये हम ऐसा लिखते. समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, गुड गुड गुड. अभी और एक सिनेरियो देता हूं आपको, स्टूडेंट मार्क्स, ये आप एक्सरसाइज जैसा ले लीजिए, ओके, स्टूडेंट मार्क्स का यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स का जो भी है ये लेता हूं मैं, एंड शीट टू डिलीट, ये रियल टाइम सिनेरियोस, रियल टाइम सिनेरियो बोल सकते आप. अभी दूसरा देता हूं आपको, कंप्यूटर्स एंड कुछ स्टूडेंट्स का डिटेल्स. रियल टाइम हम लॉजिक लिखने के टाइम हमको कैसा कैसा सिनेरियोस देखना है वो हम यहाँ पे देखते, कुछ कुछ स्टूडेंट्स है, ओके, कुछ स्टूडेंट्स वन टू कुछ 500 स्टूडेंट लिस्ट है, एंड मेरे को इनमें मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि आई वांट दिस सम,
आई वॉन्ट द एवरेज, ओके आई वॉन्ट द ग्रेड, आई वॉन्ट द ग्रेड, ओके. आप फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, ओके फॉर्मूला बाद में देखते हैं. सम कैसा करना, पहले सम बोल दीजिए. सम कैसा करना, सर इज इक्वल टू सम विद इन ब्रैकेट डी टू टू आई टू, सॉरी यस यस इट इज आई टू, डी टू, या एक्सलेंट एक्सलेंट. सो मेरे को सम आ गया, सम मैंने ले लिया, ओके. एंड एवरेज, एवरेज कैसा कैलकुलेट करते हम, एवरेज डिवाइडेड बाई सिक्स है. यहाँ पे 100 का मार्क्स ले लीजिए आप, सो 100 का मार्क्स लिया तो आप ये पर्टिकुलर टोटल डिवाइडेड बाई सिक्स, ओके कुछ 43 कुछ परसेंटेजेस आया. ये परसेंटेज को मैं फॉर्मेट सेल जाके यहाँ पे सॉरी नंबर नंबर को जाके इसका ये मैं निकाल दिया, ओके जो भी डेसिमल पार्ट है वो निकाल दिया. अगर मेरे को डेसिमल चाहिए बोले तो आई विल गिव समथिंग लाइक टू, टू डेसिमल्स का दिया. यहाँ पे आपको टू डेसिमल्स का आ गया. उसके बाद मेरे को ग्रेड चाहिए. अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक है, आई विल नॉट सॉर्ट दिस, बट आई विल टेक दिस. यहाँ पे भी आप रियल टाइम सिनेरियोस जब देखते राइट, तभी कौन सा चीज है आप कॉशियस रहना. आप म्यूट पे रख सकते हो. ओके ठीक है, थैंक यू. हाँ और कोई भी म्यूट में नहीं है लगता. सब म्यूट पे आ गया राइट. हाँ ठीक है, सब म्यूट पे आ गया. ओके नाउ हम एवरेज कैलकुलेट करने के टाइम एवरेज कैसा कैलकुलेट करते हैं हम, डिवाइडेड. अगर मेरा एवरेज भी आ गया हमको, हम अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास बोले तो हम कैसा डिफाइन करते, हम जब ग्रेटर देन 60% अगर वो है तो फर्स्ट क्लास डिफाइन करते राइट. एंड 50 एंड 60 के बीच में अगर रहे तो वो सेकंड क्लास, देन अदर अदर जो भी है वो थर्ड क्लास. एंड अगर डिस्टिंक्शन हमको मेंशन करना तो आप अबव 80% जो भी आते वो डिस्टिंक्शन बोल के हम बोलते हैं राइट राइट यस. यहां तक समझ में आया सब लोगों को, ये पहले yes, मैंने sir. कुछ मार्क्स लिया एंड उसका सम किया एंड उसका एवरेज किया. अभी हम ग्रेड देखते हैं. यहाँ पे 43.3 है, सो कौन सा ग्रेड पे आएगा ये. यहाँ पे भी हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट ही यूज करते हैं, बट वो कल का क्लास में हम यूज करेंगे. बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेकेंड क्लास बोल के लिख सकता हूँ. ये इसको कुछ 43% आया, ये सेकेंड क्लास में आ जाएगा. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. And यहाँ पे बंदा यहाँ पे 52.5 है. इसको भी मैं second class डाल देता हूँ. Okay. और यहाँ पे इसको 48.3 कुछ percentage आया. इसको भी मैं second class डाल देता हूँ. सेकेंड क्लास करेक्ट, ये भी सेकेंड क्लास करेक्ट. वैसे ही हम देखते राइट. देखिए यहाँ पे इसको 43% आया, ये सेकेंड क्लास हो गया. 52 सेकेंड क्लास, 56 सेकेंड क्लास.
वैसे ही हम देखते हैं, राइट? यस सर। लॉजिकली सोचिए, हाँ बोलने से पहले लॉजिकली सोचिए आप, लॉजिकली। जब हम कहीं से रिक्वायरमेंट हम लेते राइट, तभी तभी हम एनालिस्ट बनना बोले तो हमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखिए एक सिनेरियो बोलता हूँ आपको, आप लोगों को 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स को आपको 500 5 सब्जेक्ट्स में आपको 500 आ गया, ओके। 6 सब्जेक्ट आप लिखा ही नहीं, ओके। कोई भी है स्टूडेंट, उसको 5 सब्जेक्ट्स में 100 100 100 500 आ गया, 6 सब्जेक्ट वो बिकॉज ऑफ सम रीजन, तबियत ठीक नहीं, नहीं तो वॉट एवर द रीजन, वो बंदा एग्जाम नहीं लिखा, उसको डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, नहीं तो वो बंदा फेल होगा। यस आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर सब सब्जेक्ट्स में 100 100 आ गया एंड एक सब्जेक्ट वो लिखा ही नहीं, लिखा नहीं तो उसको 0 आ गया, उस पे 0 आ गया तो एग्जाम में उसको डिस्टिंक्शन देगा, नहीं तो ही इज फेल्ड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग नॉट राइटिंग वन एग्जाम बोल के फेल करेगा, उसको क्या करेगा सर? डिस्टिंक्शन देगा उसको। सही, यूनिवर्सिटी में कौन बोला? वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में होगा सर। हाँ सॉरी, वन सब्जेक्ट सर बैक होता है ना सर? हाँ वन सब्जेक्ट, वो अगर वो नहीं लिखा तो उसको डिस्टिंक्शन कौन देगा? अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है तो बता दीजिए, मेरा यहाँ पे बहुत लोग है, उन लोगों को सब सब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा देता हूँ। सर वन सब्जेक्ट सर री एग्जाम देना पड़ेगा ना सर? हाँ तभी तभी फाइनल रिजल्ट आपको क्या होगा, फेल ही होगा, राइट राइट। आपको सब सब्जेक्ट्स में लेट अस से आपको 3 सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम लिखा है, ओके आप एग्जाम लिखा है एंड आप एग्जाम में सब सम 80 90 सम 95 देन नेक्स्ट कुछ 65 ऐसा 4 सब्जेक्ट्स में आ गया एंड 2 सब्जेक्ट्स में मेरा पास परसेंटेज अगर 35 है तो 2 सब्जेक्ट्स में आपको 2 सब्जेक्ट्स में 35 से कम आ गया। सो वो पूरा टोटल देख के ठीक है ये बंदा को 400 प्लस आ गया, ये डिस्टिंक्शन बोल के देते, नहीं तो क्लॉज रहते वहां पे, ठीक है 400 भी हमको चेक करना, उसके साथ एक क्लॉज भी है दैट दैट गाय शुड पास ऑल द सब्जेक्ट्स, रहते नहीं रहते आपको? समझ में आ रहा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक ग्रेड जो भी है, एक ग्रेड विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन नॉट ओनली द टोटल, ईच एंड इंडिविजुअल मार्क्स में आपको मिनिमम मार्क अगर 35 लिखे तो वो 35 से ऊपर आना ही है एंड आपका टोटल 400 से ऊपर अगर रहे तो तभी 360 नहीं तो 400 रहे तो तभी आपको फर्स्ट क्लास आएगा, नहीं तो किसी में 90 आ गया एंड किसी में 20 10 आ गया तो आप जो पास हुए थे वो पास सब्जेक्ट ठीक है एंड जो फेल हुए थे वो फेल का सब्जेक्ट री एग्जाम लिखना पड़ेगा एंड हियर दे विल बी मार्क्ड एज फेल्ड ओनली, दे विल बी मेंशनड एज फेल्ड ओनली, राइट। ये सब फेल्ड का स्टेटस ही है, none of these are actually second class, ये सब fail है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 आ गया, वो exam लिखा ही नहीं, उसको total आ गया था 293 but वो exam कुछ exam लिखा ही नहीं, at least ये 2 fields देखिए, ये बंदा 3 4 subjects में ही 293 आ गया but 2 subjects वो लिखा ही नहीं, सो जो लिखा था वो री एग्जाम लिखने की जरूरी नहीं, जो
नहीं लिखा उसको अगेन री एग्जाम लिखना पड़ेगा, देन ही विल गेट सम टोटल एंड उसके बाद एवरेज, उसके बाद ग्रेड रहेगा। समझ में आया आपको? जब हम रियल टाइम सिनेरियो रियल टाइम प्रोजेक्ट करते तब कैसा कैसा सिनेरियोस हमको सोच के लॉजिक लिखना पड़ता। यस यस सर। सर तब तो इसमें हम डायरेक्ट कंडीशन नहीं लिख सकते हैं कि मतलब इफ अगर इतने से नंबर एबव है तो उसे सेकंड फर्स्ट क्लास देना है या इससे लो है तो सेकंड क्लास देना है। जब मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ तभी मैं ये पर्टिकुलर सिनेरियो भी चेक कर लेता हूँ एंड ये पर्टिकुलर सिनेरियो भी चेक कर लेता हूँ। इफ इफ इट विल बी समथिंग लाइक इफ एवरेज ग्रेटर देन 60 एंड हिंदी ग्रेटर देन 35, इंग्लिश ग्रेटर देन 35, मैथ्स ग्रेटर देन 35 एंड साइंस ग्रेटर देन 35, सोशल ग्रेटर देन 35, कंप्यूटर ग्रेटर देन 35। अगर ये सब सेटिस्फाई होके एवरेज अगर 50 से ऊपर रहे तो तभी वो बंदा को मैं सेकेंड क्लास नहीं तो फर्स्ट क्लास नहीं तो डिस्टिंक्शन देता हूँ मैं। बट इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया इज ग्रेड लिखने से पहले फर्स्ट क्राइटेरिया इज आई नीड टू चेक ये बंदा सब में पास हुआ ही नहीं, तभी ग्रेड का कॉन्सेप्ट आएगा। राइट आप लोग कितने लोग एक्चुअली क्रिकेट देखते हो? सब लोग देखते हो? हाँ देखते हैं। राइट देखिए इंडियन क्रिकेट सिस्टम में बीसीसीआई में एक फंडा है, अगर वो बंदा अच्छी तरह से खेले तो उसको ए प्लस ग्रेड देते हैं एंड वो ए प्लस के लिए कुछ अमाउंट देते हैं। वैसा ही एक बंदा कुछ ठीक तरह से खेले तो उसको ए ग्रेड, ए प्लस ए बी सी, ऐसा चार ग्रेड्स है इंडियन सिस्टम में। अगर वो बंदा इंडिया की खेलता ही नहीं तब वो ग्रेडिंग सिस्टम में आता ही नहीं। राइट वो बंदा अगर आप न्यूज में देखे तो बीसीसीआई का कुछ रूल्स तोड़ने की वजह से इस साल ईशान किशन देन नेक्स्ट हु इज अदर पर्सन श्रेयस अय्यर, ये दोनों इंडियन टीम में लास्ट ईयर तक अभी भी खेल रहा है बिकॉज दे डिड नॉट followed some rules and regulations of BCCI, वो contract से ही निकाल दिया। ये साल वो दोनों contract में है ही नहीं। Right? वैसा पहले हम वो grade वो सब देखने से पहले वो बंदा contract में है ही नहीं जैसा हम देखते हैं, वैसा ही यहाँ पे ये sum नहीं तो average ये देखने से पहले वो बंदा pass तो होना चाहिए। Right? वो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश ग्रेटर देन हिंदी ग्रेटर देन 35, इंग्लिश ग्रेटर देन 35, मैथ्स ग्रेटर देन 35, ऐसा हर एक सिनेरियो देख के हम उसके बाद ये फाइनल लॉजिक रखते हैं। ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पे हम शेयर कर सकते क्या इससे? कैन आई शेयर फ्रॉम? यस सर आप लिंक शेयर कर सकते हैं। ये लिंक नहीं डायरेक्टली एक्सेल फाइल है एक्चुअली, ये ड्राइव पे अपलोड करके ड्राइव लिंक सेंड। ओके एक ही मिनट, लेट मी ट्राई दिस पर्टिकुलर फाइल कॉपी, स्टूडेंट मार्क्स का कॉपी और यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा, शायद ड्राइव से होगा। मैं ये काम करता हूँ आप लोगों को ये एंड दी सेल्स का जो भी है वो फाइल, वो दोनों फाइल्स मैं शायद ये पुराना ही फाइल है मेरा एक्सेल का क्लासेस, अगर आप देखें तो वो ड्राइव पे ये फाइल होगा, नहीं तो ये नया फाइल अभी सर से पूछ के मैं ये नया फाइल डाल देता हूँ। बट आप लोग इसके लिए लॉजिक लिखने की कोशिश करिए, एक और एक ये रियल टाइम सिनेरियो है, आप एवरेज एंड हर सब्जेक्ट का जो भी है
वो डिटेल्स चेक करके मेरे को कल हम इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते ग्रेड के लिए वो आप बोल दीजिए, कल का क्लास में हम देखते हैं. ओके ओके ठीक है, समझ में आया लॉजिक कैसा. ये थियोरिटिकल से हम जब प्रैक्टिकल को मूव हुए तो कौन सा सिनेरियोस हमको देखना है, समझ में आया कैसा देखने का सिनेरियोस. यस सर. यस राइट, गुड 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 गुड. सो ये फाइल मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ. ओके आप लोग ये ग्रेड का लॉजिक कल मेरे को क्लास में बता दीजिए. ओके सिक्स हो गया ऑलमोस्ट, एक घंटा से ज्यादा हो गया. सो हाउ इज टुडेस क्लास. ओके कोई बोला था इफ इट इज ग्रेटर देन 61 देन 0 ए लेस देन 55 बी. ओके ओके ठीक है. ओके बट मेरे को वो क्लास वो क्लॉज जो भी है वो क्लॉज आप हाईलाइट नहीं किया यहाँ पे जो भी क्लॉज है राइट. हर सब्जेक्ट वो पास होना चाहिए बिफोर सीइंग एवरेज और सम, वो क्लास आपने ऐड कर नहीं किया, वो भी ऐड कर लीजिए. ओके ऐड करके कल का क्लास में अगेन आज जैसा मैं चूज किया आज मैंने जैसा चूज किया कल भी मैं लोगों को चूज कर लेता हूं एंड दे नीड टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके रेडी फॉर दिस चैलेंज कल का क्लास के लिए. यस सर. यस सो बी रेडी फॉर दिस चैलेंज एंड try to explore more this type of scenarios. मैं भी आपसे share कर लेता हूँ, आप भी explore करने की कोशिश कर लीजिए. But कल का class में I want answer for this. A grade, I need to get the grade by satisfying all these scenarios. Okay. चलिए तो फिर कल का class में again मिलेंगे. Bye, bye to everyone, bye. Mix.